दोस्तों आज हमारे पास है नोकिया का 1104G। अब ये फोन मैं ऑलमोस्ट एक महीने से यूज कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में काफी डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा वीडियो नहीं है जहां पे मैंने जस्ट अनबॉक्स किया, आपको बताया और छोड़ दिया। रिलायंस जियो फोन जो है उसको लेकिन ये फोन कुछ कुछ जगह पे काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे पाएगा। अब क्या ये रिलायंस जियो फोन को ही रिप्लेस कर देगा कि नहीं, वो आंसर मैं दूंगा। क्या चीजें मुझे इसके बारे में अच्छा लगा, क्या खराब लगा, अराउंड 2700 रुपीज इसका कॉस्ट है, इस कॉस्ट पे मुझे ये कैसा लगा, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि नोकिया 1104G में आपको ड्यूअल वोल्टी देखने को मिलता है, यानी सिम 1 में भी आपको वोल्टी कॉल्स मिलेगा और सिम 2 में भी वोल्टी कॉल्स मिलेगा। इसके साथ आपको HD कॉल्स मिलता है, उसके साथ जो नेविगेशन है वो सिंप्लीफाइड है, वायरलेस एंड वायर्ड दोनों FM भी ये आपका सपोर्ट करता है। 1.8 इंच का QVGA डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, 0.8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ इंटरनेट ब्राउजर, गेम्स, इंग्लिश विद ऑक्सफोर्ड एप्स, वीडियो प्लेयर, MP3 प्लेयर, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का भी ये सपोर्ट करता है, अप टू 32 GB, जो इसके साथ नहीं आता है, अलग से लेना पड़ता है, और ये आपका एज ए टॉर्च भी काम करता है। तो ये हो गया टॉर्च, ये इसका भी हम लोग टेस्ट करेंगे कितना ब्राइट है अंदर घर में। ओके, एकदम बेसिक चीज, फोन हाथ के अंदर फिट हो जाता है, एकदम हो जाना ही है, फीचर फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, बकवास की भी हद होती है। सस्ता नहीं लगता है, काफी एक प्रीमियम फील है। साइड में आप इसके ऊपर आपको एक टेक्सचर देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये हाथ से स्लिप नहीं करता है, काफी अच्छा आपको एक ग्रिप देता है। हेडफोन जैक जो है उसमें अगर आप MP3 सुनोगे तो क्वालिटी आपका अच्छा है, मतलब अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपका स्मार्टफोन का बैटरी खत्म हो गया तो आप इसमें लगा के अच्छी तरीके से गाना एंजॉय करते हुए जा सकते हो। FM का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, रिसेप्शन काफी अच्छा, मतलब विदाउट वायर ही ये काफी अच्छी तरीके से FM के स्टेशंस पकड़ लेता है। यूज करने के वक्त इसका जो कीपैड है, कीपैड काफी अच्छा रिस्पॉन्स, यानी आप अगर कुछ लिखने जाओगे तो वहां पे आप लिखने जाओगे एक और लिख जाएगा दूसरा कुछ, वैसा नहीं होता है। एक चीज को करने के लिए बार बार बटन दबाना नहीं पड़ता है, यानी आप बैक करने जाओगे, एक बार बैक करोगे तो चार बार बैक हो जाएगा, या फिर एक बार बैक करने के लिए चार बार आपको बटन दबाना पड़ेगा, वैसा प्रॉब्लम्स इसके साथ एकदम ही नहीं है। क्योंकि नोकिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि नोकिया कब से, मतलब मैं जब छोटा था उस वक्त से वो फीचर फोन बना रहा है, तो उनको पता है कि कैसे चीजें बनाना होता है, तो उस हिसाब से फोन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वॉइस कॉल्स की क्वालिटी मस्त। अगर आप एक इस पे ऐसा एक सिम कार्ड लगाते हो जो वोल्टी सपोर्ट करता है तो ऑसम आपको क्वालिटी मिलेगा। अब मेरा यहाँ पे जियो भी लगा है और वोडाफोन भी लगा है, और वोडाफोन मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम 2G में ही चला, तो वोडाफोन का कॉल क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन जब जियो लगाया उस पर जैसे वोल्टी सपोर्ट कर रहा था तो जैसे ही मैंने कॉल किया लगा के मेरे पास में कोई बैठ के मुझे कॉल करा है, और बैटरी लाइफ इसका मतलब क्या बताऊँ, 4-5 दिन आप मतलब कॉल करते रहो फिर भी आपका 4-5 दिन ही आराम से आपका चल जाएगा एक बार चार्ज के ऊपर। ऑडियो का जो वॉल्यूम आपका है, मतलब सुनने का वॉल्यूम जो आपका है ईयरपीस से जो आता है वो भी काफ़ी लाउड हो जाता है, लाउड एंड क्लियर, ऐसा नहीं कि इतना लाउड हो गया कि आपको यू नो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है वॉइस, वैसा भी नहीं है। ओवरऑल इट्स ए गुड फोन। अब क्या रिलायंस जियो फोन को टक्कर दे पाएगा, इसमें हमने इंटरनेट यूज़ करने की कोशिश किया लेकिन उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन रिलायंस जियो फोन में लेकिन इंटरनेट यूज़ करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आपका फेसबुक खुल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है, एंड आपके यूट्यूब खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप वो सारा चीज़ें ब्राउज़र से जाके ज़रूर से कर सकते हो। ओपेरा मिनी का यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे ये एक सिम्बियन 30 सीरीज़ का फ़ोन है, आप ब्राउज़र के थ्रू वो सब कुछ कर ही सकते हो, लेकिन
उसमें उतना मज़ा या फिर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा जैसा आपका जियो 4 में आता है। जियो 4 में तो आप टीवी भी देख सकते हो, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। ये बेसिक फीचर फ़ोन है जो वोल्टी को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका प्रायोरिटी है कि मुझे एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस विथ गुड बैटरी लाइफ और अच्छा कॉल क्वालिटी अगर आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली 2700 रुपीज़ खर्चा करके इसके लिए जा सकते हो। बस दोस्तों, यही था इसका रिव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो सो प्लीज सर प्लीज सर, आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स। सो प्लीज सर पकड़ा है।